ये मावा रखा, ये तिल रखा और ये फिर तिल रख दिया है। अरे वाह, बहुत बहुत चॉकलेट। अरे वाह भाई साहब, की बर्फी कैसा है? बढ़िया कैसा है? बढ़िया कैसा है? पूरा खा लो, पूरा खा लो। रामपुर में हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम चल रही है और ये मुहिम अब पहुंच चुकी है स्वार में, रामपुर के स्वार में। और मैं कहां पर हूं? यहां पर हूं फारूक फेमस मिठाइयां। यहां पर फारूक भाई के हाथ की मिठाइयां काफी ज्यादा फेमस हैं। फारूक स्वीट हाउस पर हम मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करा दूं फारूक भाई से, जो खुद यहाँ पर मौजूद है हमारे पास। और फारूक भाई के हाथ की मिठाइयाँ यहाँ पर स्वार में भाई साहब अपने नाम से जानी जाती हैं। फारूक भाई कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। ये मिठाई का काम कब से कर रहे हैं आप? मिठाई तो सर हमें 25 साल हो गए कम से कम। 25 साल हो गए? जी जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कहाँ से सीखा आपने काम? ये काम तो साहब हमने बस मुरादाबाद सीख का आए थे। अच्छा, आपको साथ मुरादाबाद में? जी 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 जी। अच्छा, जी बहुत बढ़िया। वहाँ भी किया काम आपने? जी जी, हमने काम ही सीखा था वहाँ पर, काम तो हमने यहीं शुरू करा था। अरे शुरू यहीं किया आपने? जी सर जी। अरे वाह, जी जी। तो आज आपके बच्चे भी साथ में बैठते हैं? जी, हमारा लड़का है ये बराबर में दुकान पर। जी बहुत बढ़िया। हाँ, क्या क्या खास बनाते हैं? ये साहब मावे की गजक बनाते हैं, ये चॉकलेट बनाते हैं। चॉकलेट? जी सर। और ये पेड़ा होता है साहब ये? अच्छा, पेड़ा ही बनाते हैं। हाँ हाँ, भुने हुए मावे का। आपकी बर्फी ज्यादा फेमस है क्या? जी, जी, वो क्यों फेमस हो गई? हमारी सारी मिठाई फेमस है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो भाई देखिए, ये फारूक भाई हैं और अब यहाँ पर देखिए तमाम मिठाइयाँ लगी हुई हैं। चॉकलेट वाली मिठाई है, पेड़े हैं, बर्फी है और ये तिल के? जी जी, तिल वाली गजक होती है मावे की। तिल की मावे की गजक है? जी सर। क्या बात है भाई साहब, स्वाद लिया जाएगा, जायका लिया जाएगा। और रामपुर में है, रामपुर के स्वार में है हम। रामपुर में हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम जारी है, इसमें नए नए जायके नए नए स्वाद लेकर आते हैं। तो आज यहाँ पर रंग बिरंगी मिठाई आई जाएंगी। तो फारूक भाई, अपनी जो फेमस मिठाइयाँ हैं सारी खिला दीजिए। अच्छा सर, ठीक है सर, खिला देंगे? बिल्कुल खिलाएंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई जायका लिया जाएगा। तो आइए मैं दिखा दूँ, इनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लें। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद वारसी। राशिद भाई कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया है। बिल्कुल। तो स्वार में जो है हर तरफ हम गए तो फारूक भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, बहुत टाइम हो चुका है, बहुत पहले से फेमस है। अच्छा, कुछ क्वालिटी दी है हमने ऐसी जो लोग फेमस हुए। अच्छा। हाँ, लोगों को पसंद आई मिठाइयाँ तो फेमस तो नहीं है। तो किस तरह की क्वालिटी देते हैं आप? तो सारी तरह की क्वालिटी हमारे पास, जैसे कि मावे का ओरिजिनल क्वालिटी होती है हमारे पास, शुद्ध शुद्ध चीज है बिल्कुल। अच्छा, एकदम शुद्ध रखते हैं? एकदम शुद्ध है मावा। बिल्कुल। अच्छा, तो स्वार की पहचान, अगर मिठाई की बात करें तो स्वार की पहचान जो है फारूक के नाम से आती है। बिल्कुल आती है। बिल्कुल आती है। बिल्कुल। तो आपकी यह जो मिठाइयाँ हैं कहाँ कहाँ जाती हैं? ये सारी कंट्री में जाती हैं, काफ़ी सऊदी अरब ज़्यादातर जाती है, दुबई है और आसपास की कंट्रियों में जाती है। अच्छा, खुद जाती है। मैंने कल ही दिया सऊदी के लिए। सऊदी के लिए? बिल्कुल, गजक गई है। तो फर्स्ट बार बनी है ना गजक इस सीज़न में? तो पहली बार बनी है? हाँ, कल ही गई है। तो भाई साहब, इस सीज़न में पहली बार गजक बनी है, उसका भी स्वाद लिया जाएगा, जायका लिया जाएगा। और बर्फी यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका भी जायका लिया जाएगा। ये बताइए, आप अपना एड्रेस बताइए। जी, गंगादास जी की पुलिया है, चकसवार है, डिस्ट्रिक्ट रामपुर है। कोई कॉन्टैक्ट नंबर? 9837896711। तो भाई ये भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है। और यहाँ पर देखिए शानदार मिठाइयाँ लगी हुई हैं, एकदम मुंह में पानी आ रहा है देखने के बाद में। और अब फारूक भाई लगा रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने बैठने की जगह भी कर रखी है यहाँ पर। तो भाई साहब, रामपुर में हम, रामपुर के स्वार में हम, स्वार में हमारी हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मुहिम पहुँच चुकी है। हम कोशिश करते हैं इस मुहिम में रोज़ नया नया जायका, नया नया स्वाद आपके लिए लेकर आएँ, ताकि इस तरह के जो छोटे स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, छोटे फूड वेंडर्स होते हैं, जो लोग खान पान का काम करते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनके स्वाद से आपको रूबरू कराया जाए। तो भाई फारूक साहब हमारे लिए लगा रहे हैं मिठाइयाँ और देखूँ किस किस तरह की मिठाई जो है दी है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शानदार। सिर्फ एक चीज़ कही थी, एक एक पीस कहा था मैंने। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ, बस बस, कोई बात नहीं। तो भाई देखिए, यहाँ बैठ जाइए प्लीज़। तो भाई देखिए, फारूक साहब के साथ खाने का मज़ा ही अलग होगा। यहाँ बैठ जाइए फारूक साहब, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये जो है, ये क्या चीज़ है? ये सब मावे की गजक होती है। अच्छा, अरे वाह। अच्छा, इसके अंदर मावा होता है, इसके अंदर बीच में, अरे वाह क्या बात है भाई साहब। देखिए बीच में मावे की फिलिंग करते हैं, जैसे बीच में केक होता है। अरे वाह, ये लेयर मावे की है। वाह भाई वाह। और ये मावा रखा, ये तिल रखा और ये फिर तिल रख दिया है, क्या बात है। इसका रेट क्या होता है? ये साहब मिट्टी है, 240 रुपये किलो। 240 रुपये किलो? रेट बहुत कम रखा है आपने, ठीक है। अरे वाह, अब इसका
स्वाद लिया जाएगा, जायका लिया जाएगा और बताया जाएगा। आप ले, आप थोड़ा तो लीजिए स्वाद। अच्छा अच्छा, डायबिटीज। अच्छा डायबिटीज, कोई बात नहीं भाई, जो है मिठाई वाले अपनी मिठाई नहीं खाते हैं, ठीक है, लेकिन आप खाते हैं मीठा। अच्छा मीठा कम खाते हैं जी। तो भाई फारूक साहब के बेटे को हमने खिला दिया जायका, भाई कैसा है? बढ़िया है, अरे वाह बहुत बढ़िया भाई। तिल की मिठाई है और इस सीज़न की पहली है ना जी, बहुत बढ़िया। तो इस सीज़न की पहली मिठाई है, अगर आप रामपुर से, रामपुर के बाहर के हैं या फिर स्वार में घूमने आए हैं तो एक बार इसका जायका आप ज़रूर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मिठाई कैसी है। और ये मुझे क्या है, चॉकलेट जी? ये चॉकलेट। अरे वाह भाई साहब, अरे वाह बहुत बढ़िया। ये दूध की बनाते हैं जी सर? सर क्या रेट होता है? ये 300 रुपये। 300 रुपये जी, बिल्कुल चॉकलेट है भाई, वाह। और अब बारी आ गई इसकी बर्फी, क्या बात है भाई साहब, दूध की बर्फी। ये क्या भाव होती है? ये 260 रुपये। 260 जी। चॉकलेट ला जवाब है भाई, बहुत बढ़िया। और पेड़ा, क्या बात है भाई साहब, शानदार। ये थोड़ा पपड़ी लाओ ना इधर को। ये क्या रेट है? ये 260 रुपये। 260 रुपये जी सर, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह, ये क्या भाव होती है? ऑर्डर की जा रही है सर। अच्छा ऑर्डर की बनाते हैं जी, जी, जी। और वैसे ही बेचते हैं क्या? हाँ हाँ, वैसे भी बेचते हैं, ऑर्डर पे जा रही है। अच्छा ये क्या भाव होती है? ये भैया क्या भाव दिए पपड़ी इकट्ठे में, ऑर्डर में क्या भाव दिए? ये 180 है। 180 रुपये किलो जी सर। अरे वाह बहुत बढ़िया, माशाल्लाह बहुत अच्छे है, बहुत टेस्टी है जी सर। तो भाई जबरदस्त जायका, जबरदस्त स्वाद है। और हम रामपुर के स्वार में, स्वार का जायका लाजवाब भाई साहब। और देखिए बच्चे यहाँ पर आओ बेटे, इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बेटे आ जाओ, अरे इधर आओ, लो लो। कैसा है? बढ़िया। कैसा है? बढ़िया। कैसा है? पूरा खा लो, पूरा खा लो। कैसा है? बढ़िया है भाई साहब। मिठाई जो है वो बच्चों के बिना अधूरी होती है जी सर। तो हम रामपुर के स्वार में हैं और हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम जारी है। वीडियो लाइक करना है आपको, शेयर करना है, और यहाँ पर आना है आपको, स्वाद लेना है और बताना है यहाँ का स्वाद आपको कैसा लगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।